बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये एक स्पेशल वीडियो है कि मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूँ। और ये कोई फ्रेंच या कोई अरबिक ब्रांड नहीं है, ये हमारा पाकिस्तानी ब्रांड जुनेद जमशेद है, ठीक है। और ये इनका एक फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है शेर दिल, ठीक है। आप इसकी प्रेजेंटेशन देखें, ठीक है। ये एक बॉक्स है, ठीक है। ये मुझे मिला है अपनी फैमिली की तरफ से एज अ गिफ्ट, ठीक है। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है पाकिस्तान के हिसाब से, या पाकिस्तानी फ्रेगरेंसेस के हिसाब से ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये तकरीबन 8,200 रुपए का है, ठीक है। कॉस्ट अराउंड 8,200 रुपीज़, ओके, समवेयर अराउंड लाइक 150 दिरहम्स, ठीक है, 170-180 दिरहम्स, ठीक है। तो दैट्स अ प्राइस वेयर यू कैन गेट अ लॉट ऑफ फ्रेंच ब्रांड्स और अरबिक ब्रांड्स, ठीक है। एक्सपेंसिव फ्रेगरेंसेस यू कैन बाय विद इन दैट रेंज 200-250, ठीक है, अराउंड लेट्स से 70-80 डॉलर्स, ठीक है। तो आप बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप ख़रीद सकते हैं इसी प्राइस में, ठीक है। जैसे ह्यूगो बॉस हो गया, प्राडा हो गया, बर्बरी हो गया, ठीक है, और आपका क्या नाम है, कैरोलिना हेरेरा की कुछ फ्रेगरेंसेस हैं वो आप ख़रीद सकते हैं, YSL की कुछ फ्रेगरेंसेस हैं वो ले सकते हैं आप, ठीक है। और आपकी जो है क्या नाम है, इस तरह के जो अजारो वगैरह मीडियोकर ब्रांड्स हैं आप वो सब इस प्राइस में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेगरेंस कैसी है, क्या ये जस्टिफाई करती है प्राइस को, क्या आपको ये फ्रेगरेंस लेनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। शेरदिल एक्चुअली ये एक ट्रिब्यूट है इनका एयरफोर्स को, पाकिस्तानी एयरफोर्स को। तो ये एक स्पेशल यानी कि फ्रेगरेंस उन्होंने बनाई है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है। और एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था शेरदिल, ठीक है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने बॉक्स बनाया है और ये एक किस्म का ट्रेजर चेस्ट की तरह है, ठीक है। इसको आप ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये एक ट्रेजर चेस्ट की तरह ओपन होता है, ठीक है। और इसमें इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नोट जो है वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। टू द फैमिली हुज ब्लड एम्पावर्स आवर सॉइल, वी एट जे डॉट सल्यूट यू फॉर योर रेजिलियंस एंड स्पिरिट, ठीक है। तो मे वी राइज इन पीस, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नोट एक जो है ना वो एयरफोर्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है इसमें आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, जो कि एक आप कह लें ये एक किचन है, ठीक है, और ये एक एयरफोर्स का एक JF-17 कह लें या F-16 कह लें या कोई भी पाकिस्तानी एयरफोर्स का जहाज़ है, ये उसका कीचेन है जिसके बीच में एक कॉम्पस भी है। अब कॉम्पस ये मैंने इसको ट्राई आउट तो नहीं किया, बहरहाल ये एक अच्छा इन्होंने एक आपको एक फ्री भी इसके साथ मिलती है, ठीक है। और इसकी जो 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 बॉटल है वो आप देखें वो इस किस्म की बॉटल है, बड़ी ज़बरदस्त बॉटल है, ठीक है। और इस पर लिखा हुआ है जी आपका शेरदिल, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है शेरदिल ऑडी परफॉर्म, ठीक है। तो ये परफॉर्म है तो इसकी क्वालिटी जाहिर सी बात है कि अच्छी होगी, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त बड़ी भारी कैप है, ठीक है, उसके ऊपर ये एक बाज बना हुआ है, ठीक है, जो कि आपकी एयरफोर्स की एक किस्म की आप कह लें कि इट्स अ ट्रेट, ठीक है, कि वो बाज की तरह उड़ते हैं और अपने शिकार पे झपटते हैं, ठीक है, और वो जो भी करते हैं, ठीक है। तो ये उनको एक किस्म का ट्रिब्यूट दिया है, ठीक है। मुझे भी एयरफोर्स से काफ़ी मोहब्बत है, ठीक है, दिलो जान से, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये उन्होंने जो है एक बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट दिया है एयरफोर्स को। और अब जो असल बात है कि इसकी इसकी फ्रेगरेंस की क्वालिटी कैसी है, क्या ये डिज़र्व करती है वो प्राइस जो आप एक मीडियोकर फ्रेंच या अरबिक एक्सपेंसिव रसासी अजमल के एक्सपेंसिव परफ्यूम्स भी आपको इस प्राइस में मिल जाते हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी के, ठीक है। तो स्प्रेयर तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है,
नो डाउट, ठीक है। अब जो सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मैंने जो इसको स्प्रे किया है तो मेरे नज़र में ये है क्रीड एवेंटस, ठीक है, ये बिल्कुल क्रीड एवेंटस है और ये बहुत पोटेंट क्रीड एवेंटस का क्लोन है, ठीक है। जैसे आप कह लें कि क्लब डिनोवा इंटेंस है, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का एक क्रीड एवेंटस का क्लोन है, ठीक है। इसमें स्मोकीनेस बहुत ज़बरदस्त है, मुझे वो स्मोकीनेस मैं फील कर सकता हूँ, मैं यहाँ से मतलब मैंने स्प्रे किया है तो मुझे वो स्मोकीनेस फील हुई है उसकी, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त इसमें वही सेम जो आपको क्रीड एवेंटस में नोट्स मिलते हैं, ठीक है, ओपनिंग में जो सिट्रसेस के नोट्स होते हैं, थोड़ी सी स्मोकीनेस होती है, ठीक है, एक ब्लैक करंट का हल्का सा नोट होता है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त इसमें अपेरेंट है ब्लैक करंट का नोट, ठीक है, आपको बहुत ज़बरदस्त ब्लैक करंट का नोट आएगा इसमें, ठीक है। सिट्रसेस बर्गमो वगैरह का बहुत अच्छा नोट है, ठीक है। स्मोकीनेस बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्मोकीनेस है, रियल स्मोकीनेस है इसके अंदर, ठीक है। फिर ये ड्राई डाउन में इन्होंने कहा है कि जी इसमें आपका जो है वो जिस तरह कहते हैं मस्क और एम्बर और ये वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ड्राई डाउन भी ऑलमोस्ट कह लें कि क्रीड एवेंटस की तरह ही है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्रीड एवेंटस का क्लोन है, ठीक है, और बहुत पोटेंट क्लोन है, ठीक है। इसका सियाज बहुत अच्छा है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, लॉन्जेविटी अभी तक जो मैंने जे डॉट की फ्रेगरेंसेस टेस्ट की हैं उनकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। बहरहाल ये एक बहुत भारी बोतल है, ठीक है, काफ़ी हैवी, ये कलेक्टर किस्म की बोतल है, ठीक है। आप इसको यूज़ तो करें, ये क्योंकि अब काफ़ी महंगा है तो आप इसको यूज़ तो करें, लेकिन ये बोतल जो है वो आप उसको एज अ कलेक्टर ये बोतल रख सकते हैं, ठीक है। ये उसी तरह है जिस तरह इन्होंने वसीम अकरम का एक वो बॉल वाली बोतल निकाली थी, वो भी मेरे पास है, ठीक है। एक वो शाहिद अफरीदी की बैट वाली निकाली थी, वो भी मेरे पास है, ठीक है। और कौन सी एक वो माइक था वो भी निकाली थी, वो भी मेरे, तो मेरी फैमिली जब भी आती है पाकिस्तान से तो इस तरह की कोई जो अनोखी चीज़ें होती हैं वो ज़रूर लेके आते हैं। तो ये यानी कि अब ड्राई डाउन में ना इसमें काफ़ी यानी कि इसकी बेस मस्की और फ्लावरी और काफ़ी यानी कि वो स्मोकीनेस कम हो गई है, ठीक है, वो सिट्रसेस कम हो गए हैं, ठीक है, वो ब्लैक करंट का नोट कम हो गया है, तो अब ये बेसिकली बड़ी अच्छी स्मूथ मस्की फ्लावरी फ्रेगरेंस जो है ना वो बन रही है, जिसमें पचूली का भी एक नोट है वो भी उभर के सामने आ रहा है, ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि पचूली की स्मेल भी है। तो पचूली फ्लावर्स और वो जैसे एक ओल्ड स्कूल वाइब होती है ना, ओल्ड स्कूल फ्रेगरेंस की वाइब होती है, अब ये वैसे बनना शुरू हो गई है। तो ये ड्राई डाउन में मतलब उसकी सिट्रसेस निकल गए हैं, ठीक है, उसकी जो स्मोकीनेस है वो कम हो गई है, ठीक है, वो ब्लैक करंट का नोट कम हो गया है, ज़्यादा फ्लावरी नोट्स आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, ज़्यादा पचूली का नोट आना शुरू हो गया है, ठीक है। अब एक 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 कूल वाटर टाइप जिसे कहते हैं ना ओल्ड स्कूल वाइब आना शुरू होगी उसमें से। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, ठीक है। बारल एज अ क्लोन क्रीड एवेंटस का क्लोन है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है और उन्होंने एक क्रीड एवेंटस को चूज़ किया इसके वो बनाने के लिए ट्रिब्यूट की फ्रेगरेंस बनाने के लिए। लेकिन ये है कि अब क्रीड एवेंटस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोन हो चुका हुआ है, ठीक है। अगर आप एयरफोर्स को पसंद करते हैं और आपको क्रीड एवेंटस की प्रोफाइल भी पसंद है तो आप ज़रूर ख़रीदें, ठीक है, बहुत पोटेंट अच्छी फ्रेगरेंस है, ठीक है, और बहुत यानी कि जिसे कहते हैं कि लोगों को पसंद है क्रीड एवेंटस की फ्रेगरेंस, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्लोन्स आ चुके हैं इसके, तो थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एज अ कलेक्टर ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, आप इसको अपनी कलेक्शन में रखें, ठीक है, लेकिन 8200 के हिसाब से मुझे लगता है कि आप और बेहतर फ्रेगरेंसेस ख़रीद सकते हैं जो कि क्रीड एवेंटस का क्लोन ना हो, ठीक है। तो इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, फ्रेगरेंस इटसेल्फ बहुत अच्छी है, ठीक है, जो इन्होंने क्लोन किया है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी डेटेड मतलब सेंट प्रोफाइल है ये मेरे हिसाब से, बहुत क्लोन हो चुका है, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको अब आप फैसला कर सकते हैं कि अगर आप क्रीड एवेंटस का क्लोन ख़रीदना चाहते हैं तो ये क्रीड एवेंटस का क्लोन है, ठीक है। सिट्रसेस है, स्मोक है, ब्लैक करंट है, फ्लावर है, पचूली है, ठीक है, सेम उसी तरह ही है। सियाज लॉन्जिविटी वगैरह ठीक है, प्रोजेक्शन भी अच्छी है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये एक 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 ट्रिब्यूट है, ठीक है, एयरफोर्स को, जैसे उन्होंने शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, उनको भी ट्रिब्यूट पहले दे चुके हैं फ्रेगरेंसेस के मामले में। तो और भी जुनेद जमशेद की बड़ी अच्छी फ्रेगरेंसेस भी हैं 3000 की रेंज में, 5000 की रेंज में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कलेक्टर हैं और आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको, मैंने बता दिया कि ये क्या प्रोफाइल है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये है कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल कीप मेकिंग मोर कॉन्टेंट एंड आई होप दैट यू लाइक द कॉन्टेंट और आपको फ़ायदा हो मेरी वीडियोज़ से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आउट ऑफ हियर।